सलमान के छोटे भाई से शादी हुई है मलाइका अरोड़ा की। उधर सुजान एक जर्मन अभिनेत्री कैसे देखती है गणेश चतुर्थी को, वो भी सुनते हैं। गणपति आने नमस्ते। इतना छोटा पंडाल लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। देखिए ये बादल भी है और द रेनबो और एक गणेश जी बैठे हुए, तो सब बहुत अच्छा है। मैं पूछना चाहती हूँ ये हर साल आपका डेकोरेशन ऐसा है? हर साल हम लोग डेकोरेशन चेंज करते हैं। ये साल हम लोगों ने ये कंसेप्ट लिया है कैलाश पर्वत का, क्योंकि गणेश जी शिव जी के पुत्र है, इसलिए इसके लिए हम लोग ने 4-5 दिन छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक इसमें शामिल हुए हैं डेकोरेशन करने में। हर साल अलग अलग डेकोरेशन होता है। कितने साल ये चल रहा है, कितने साल करेंगे? कितने साल, ये तो मेरा परदादा के सालों से चलते आ रहा है, मोर देन 115 साल तो अभी हो गए। तो हम लोग का अभी ये 5th जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे अभी इसको आगे लेके जाएंगे। तो अभी हर साल हम लोग गणेश जी 5 दिन का बिठाते हैं घर पे, और ऑलमोस्ट सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। और गणेश चतुर्थी और गणेश फेस्टिवल रहते हैं, वो सबसे अहम फेस्टिवल रहते हैं मराठी कुटुंब का। तो ये बहुत अच्छा परंपरा है। बहुत अच्छी परंपरा है, ये पूरे परिवार ये फेस्टिविटीज पर पार्टिसिपेट आपके एक कुटुंब एक साथ आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फेस्टिवल का कंसेप्ट ही एक साथ कि एक साथ सब मिले, तो ये कंसेप्ट आज चल रहा है और ये आगे भी चलेगा, ये हम लोग को उम्मीद है। ये खुशबू कहाँ से आई? इतना घी मेरे पूरी जिंदगी मैंने नहीं खाया। इतना सारा और बढ़िया गाना गाया है, ऐसे ही तो शक्ति मिलती है ताकि पूरे शहर का चक्कर लगा के गणेश जी के पंडाल देख पाऊं। मुंबई से सुजाना बयानत, एनडीटीवी इंडिया। गणेश उत्सव के मौके पर लोग अपने घरों में ही नहीं ट्रेन में भी भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। नासिक में लोगों ने गोदावरी एक्सप्रेस में गणपति की स्थापना की है। गोदावरी एक्सप्रेस मनसाड़ नासिक से लोकमान्य तिलक स्टेशन मुंबई तक जाती है, और इसमें रोज़ाना सफ़र करने वालों ने चंदा करके यानी पैसे इकट्ठा करके यहाँ गणेश मूर्ति स्थापित की है। पूरे 10 दिन यहाँ पूजा की जाएगी ट्रेन में भी, और ये सिलसिला आज का नहीं है, 14 सालों से चल रहा है।